खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां पवई थाना अंतर्गत चकिया में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल आजमगढ़ में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार घटना 23 फरवरी की बताई जा रही है, जब जमीन कब्जा को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गयी, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित महेंद्र पांडे का आरोप है कि विपक्षी वीरेंद्र पांडे, हरिओम पांडे, शुभम पांडे दबंग किस्म के लोग हैं, जो हमेशा दबंगई करते रहते हैं, साथ ही अवैध असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते रहते हैं, जिससे पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। आपको बता दें, मारपीट में घायल महेंद्र पांडे, जमुना देवी पंकज पांडे का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले में पीड़ित ने क्या कुछ कहा, देखिए आजमगढ़ से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। हाथ में भी फ्रैक्चर है साहब। किसके किसके हाथ में फ्रैक्चर? वाइफ के हमारी। अच्छा, टूट के निकल गया साहब। तो जिला मंडल अस्पताल आप आए हैं, यहाँ आपको क्या सुविधा मिल रही है या क्या इलाज हो रहा है? क्या इलाज हो रही साहब, कोई सुई दवाई हो रही, कोई इलाज नहीं। आज कई कई दिन हो गया हमारा अक्षरा नहीं हो रहा था। आपको चोट कहाँ आई है? तेजी से बोल। हाथ में। किसने आपको मारा था जो है ये? हरिओम, शुभम, शंकर। तो ये मारने के बाद ये आपका हाथ टूट गया है? हाँ। अच्छा, और इसका अभी तक इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है सही ढंग से? वही ना हो पा। इसके बोलने चेहरे जाई उठा है।